लाल परी के सामने खड़ा हुआ और ये भाई नीचे जो फाइव स्टार दिख रहे हैं ना वो हर गाड़ी भाई लगा नहीं सकती और इमोशनल डैमेज। और भाई ये है टाइगुन जीटी। जी हाँ, जीटी नाम सुन के आपको भाई लग रहा होगा क्या आई रेसिंग होती है। हाँ, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है भाई। इसके अंदर आपको 150 पीएस की पावर, 250 एनएम का टॉर्क मिलता है और इंटीरियर में भाई एकदम रेड हॉट इंसर्ट मिलता है। आपको लगेगा भाई क्या ही फर्क पड़े, पर आप एक्चुअल में जब देखोगे ना तो लगेगा भी हाँ कि क्या चीज़ बनाई VW ने। फिर यहाँ पे हमने उनको सिंप्लीफिकेशन देखे तो काफ़ी अच्छी तरह से किया है भाई। जो डिस्प्ले वो काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर ओरिएंटेड लगती है आपको। स्पीडोमीटर भी आपको डिजिटल मिल जाता है एंड यहाँ पे भाई आपको भाई 7 स्पीड DSG भाई आपको DCT ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर उन सभी से भाई ये एक हाई एंड आपको चीज़ मिलती है। आपको भाई ऐसी चीज़ और कहीं पर नहीं मिलती और इधर शिफ्टर्स भी आते हैं जो आपको भाई अपने मुताबिक आप गाड़ी को चला सकते हैं। ऊपर भाई अपने को छोटी संदर्भ कोई बड़ी संदर्भ नहीं आती मिल जाती आपको। दोनों तरफ GT का बेजन मिल जाता है नहीं। यहाँ पे ऊपर की तरफ हम रूफ व्हील्स पे देखें और यहाँ पे भाई ये रूफ व्हील्स जो है आपको भाई 80 kg का कैपेसिटी देती है और ये चीज़ ना और दूसरे कोई भी कंपटीशन में नहीं कर सकते। आप ऐसे करो तो कि भाई हाथ में आ जाएगी उनकी रूफ व्हील्स। आप क्रेटा देख लीजिए या आप सेल्टोस देख लीजिए या आप कोई भी कंपटीशन में देख लो, ये चीज़ ना आप और कहीं पर भी नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे टेल लाइट पे देखो आपको पूरी कनेक्टेड टेल लाइट मिलती है। आप इसका लुक भी देखे ना तो एकदम एलिगेंट लगता है। सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। एकदम स्पोर्टी वाला लुक है वो निकल के आ जाता है। बाकी यहाँ पे अपने को बूट स्पेस भी देखे तो पहले बूट स्पेस बात कर ली लेते हैं भाई। 388 लीटर का यहाँ पे अपने को भाई बूट स्पेस मिल जाता है आपको अच्छे खासे भाई। कहोगे कि भाई 4 लोगों का समय आप इजीली रख सकते हैं। लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट तो यहाँ पे अपने को फुल्ली LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं आपको। कहीं पर भी येलो लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे ऊपर अपने को भाई DRS मिल जाते हैं। बीच में यहाँ पे देखे तो यहाँ पर भी आपको GT का बैज मिलता है और इसका हम ग्रिल एंड ओवरऑल देखें ना तो फ्रंट से ऐसा फील होता है कि नॉट एकदम अट्रैक्टिव बोल दे बट हाँ आपको एक सटल डिज़ाइन मिलती है। आपको कैरेक्टर दिखते हैं इसकी बॉडी पर। यहाँ पे भी आपको भाई एक प्रॉपर एजेस हो दिए जाते हैं बोनेट के ऊपर। यार बोनेट भाई इसे खोलना कोई इजी काम नहीं है, काफ़ी मतलब आपको जिप भी करना पड़ेगा। आप 2-3 बार कर लो ना एक दिन में तो आपका बाइसिक तो हो ही जाने वाला है। एंड यहाँ पे बीच में भाई VW का बैज मिल जाता है। एंड इसके हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 188 mm का आपको है ग्राउंड क्लियरेंस वो मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने बताया कि ये 5-स्टार ना हर कोई ब्रांड या हर कोई गाड़ी ओन नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ यही करेगी। एंड इसके नंबर में बता दूं भाई कि इसके भाई एडल्ट सेफ्टी में नहीं आपको भाई चिल्ड्रन सेफ्टी में भी 5-स्टार रेटेड है। तो इसके ऊपर कोई भाई सेफ्टी के अंदर ना नहीं कोई गाड़ी आती। हाँ बट मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो वाइपर्स है वो एरोडाइन वाइपर आ सकते हैं कि यहाँ पे अपने को नॉर्मल ही वाइपर्स उपलब्ध होते हैं। फॉग लैंप की बात करें तो यहाँ पे आपको भाई फॉग लैंप मिल जाता है। उसके सराउंडेड पे देखे तो क्रोम की बीच में फिनिशिंग मिल जाती है। साइड से हम देखें तो इसके जो एलॉय व्हील की डिज़ाइन हो काफ़ी बेहतरीन निकल के आती है आपको। 17 इंच के एलॉय व्हील में तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है और पीछे ड्रम ब्रेक मिलती है। यहाँ पे थोड़ा सा ना कि भाई VW थोड़ा सा अपग्रेड कर सकती, थोड़ा सा खर्चे कर सकती थी कि भाई हाँ पीछे डिस्क ब्रेक आती तो और भी मज़ा आता। और फ्रंट में हम देखें तो कैलिपर्स जो है अपने को रेड इंसर्ट के साथ मिलेगा। ऑफकोर्स GT मॉडल है तो आपको भाई थोड़ा सा इतना तो टचेस मिलने वाले ही। यहाँ पे अपने को ORM पे देखे तो अच्छे हैं भाई कोई। हाँ भाई बता दो टर्निंग से बहुत बोरिंग लगता है तो पर फिर भी क्या करें बताना तो पड़ेगा। फिर यहाँ पे अपने को क्रोम के सेट मिल जाते हैं यहाँ पे डोर के सराउंडेड। एंड यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी प्रीमियम टच लगता है कि भाई बीच में ही यहाँ पे क्रोम का फिनिशिंग दी जाती है और आजू बाजू देखे तो बॉडी कलर मिलते हैं। तो ये चीज़ ना बाहर वाले कर सकते बट इतना ही फिनिशिंग के साथ उतना नहीं कर सकते वो लोग। और इसका भाई देखो ये चीज़ है जो आपको भाई VW में मिलेगी। और इसके अंदर क्या होता है, एक क्रॉस बैटर मेटल हो दिया जाता है, उसकी वजह से जो साइड इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी अच्छी तरह से ये झेल पाते हैं। और इसके हम शीट क्वालिटी भी देखें तो वो भाई सारी कंपनी से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहती है, जैसे कि क्रेटा, सेल्टोस, पता ही आपको भाई पूरी कॉम्पिटिशन में क्या चीज़ें चल रही और VW क्या ऑफर करती, क्या चीज़ देती है वो आपको पता होना चाहिए। एंड बैठने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, कैजुअल है। बाकी यहाँ पे भाई कैजुअल है बैठने के तरीके बट जो
कंफर्ट है वो कैजुअल नहीं, एकदम भाई प्रीमियम मिलेगा आपको भाई। इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो 14 आपको सेफ्टी फीचर्स आते हैं इसके अंदर। आपको ब्रेक डिफरेंशियल लॉक में मिलता है, जो आप हाई स्पीड में जाओगे तब आपको भाई ये बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाली, जैसे कि आप बहुत हाई स्पीड में टर्न लोगे तो वहाँ पर आपको भाई ये चीज़ ना उपयोग में आएगी। फिर आपको जो है ब्रेक असिस्ट मिलता है, जो आपको भाई बहुत एक आपको एक्सीडेंट सिचुएशन आएगी तब आप पूरे ब्रेक पंजा दबाओगे तो इसके ब्रेक जो है एकदम नज़दीक आ जाएंगे, तो आपको अच्छा खासा थोड़ा सा ना इम्पेक्ट आप पहले कर सकते हैं। फिर सॉरी यहाँ पे अपने को भाई 10 इंच की टच स्क्रीन होगी, यहाँ पे अपने को डिजिटल स्पीडोमीटर आ जाएगा। एंड ऑल्दो मैंने जो बता तो दिया है, बाकी यहाँ पे अपने को स्क्रीन पे देखे तो स्पीडोमीटर एंड जो टच स्क्रीन है दोनों मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर ओरिएंटेड है। वैसे तो स्पीडोमीटर ड्राइवर ओरिएंटेड ही रहता है, बट जो ये स्क्रीन है काफ़ी मतलब कि यहाँ पे टिल्टेड लगती है। एंड आपको भाई देखने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर रात में भी देखो ना तो इसके जो कलर है एकदम सॉर्टेड है, तो आपको भाई आँख में वो चीज़ चुभने वाली नहीं है। एंड ऑल्दो यहाँ पे अपने ऐप पर कैप एंड्रॉइड तो वो सारी चीज़ें मिल जाती है। एंड इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ निकल गया था, देखो आप मेरे सामने, अरे ये यहाँ पे दो बार हो गया, चलो मैं आपको करके दिखा, ये बार नहीं हुआ। हाँ बाकी पहले बार तो हो गए थे, थोड़ा सा फुद्दू वाला चीज़ हो गई थी। एंड ऑल दो यहाँ पे देखो ड्राइवर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फिर यहाँ पे एवरेज स्पीड हो गया, ट्रिप हो गया, फिर टाइम हो गया, एवरेज हो गए, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पे अपने को VW प्ले ऐप्स भी आता है, जहाँ पे आप कुछ चाहे तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भाई एक चीज़ काफ़ी बढ़िया लगी मुझे कि ये देखो टच बेस यहाँ पे अपने को एसी वेंट मिलते हैं, ये चीज़ ना भाई BMW में आती, इसके अंदर नहीं आती। तो आपको भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब लगती है कि भाई क्रेटा बैठा के सामने ये ना और कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, और ये चीज़ कर भी कौन सकता है जिसके पास भाई खुद BMW ओन की हो, वो कौन है VW, तभी ये सारी चीज़ें आती है ना। फिर यहाँ पे भाई पुश टच स्टॉप बटन हो गया, इसकी प्लेसिंग कहूँ ना तो मैं मतलब एक स्पोर्ट कार वाली जो फील हो ये दे देता है। यहाँ के अपने को 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट हो गया, यहाँ पे अपने को वायरलेस चार्जर हो गया। एंड जो फ्रंट की सीट है अपने को वेंटिलेटेड सीट मिलती है दोनों के दोनों, आप भाई दो फैन स्पीड आती है, एक फर्स्ट हो गया नहीं सेकेंड हो गया। फिर यहाँ पे अपने को आइडल टच स्टॉप हो गया। एंड ऑल्दो यहाँ पे अपने को जो ट्रैक्शन कंट्रोल की प्लेसिंग है थोड़ी सी ऑड की गई है, यहाँ पे एक्चुअल में कोई बटन दिया गया होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, यहाँ पर भी होता तो वो चल जाता, बीच में पार्किंग लाइट हो गई। एंड इसके हम बटन क्वालिटी देखे, देखो कैमरा में तो मैं उतना खास बता नहीं सकता, बट जो क्वालिटी ऑफ द बटन है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चली जाती है। एंड यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जो स्टिचिंग है उसकी जो मटेरियल सिलेक्शन वो काफ़ी बेहतरीन निकल के आते हैं। यहाँ पे अपने को भाई RVM हो गया। एंड मैं भाई इस पूरे वीडियो में इसकी तारीफ़ ही कर रहा हूँ, कुछ आपको नेगेटिव नहीं बताऊँ तो मैं नेगेटिव नहीं बताऊँगा तो वीडियो एंड तक देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया क्या करो भाई, सर फटाफट से हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो। एंड यहाँ पे भाई दो कप होल्डर्स हो गए, यहाँ पे अपने को नॉर्मल ही आपको हैंड ब्रेक आएगी, वैसे तो थोड़ा सा मतलब इलेक्ट्रिक ब्रेक आती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। यहाँ पे ग्लोव बॉक्स थी तो ग्लोव बॉक्स काफ़ी छोटा लगा मुझे, थोड़ा सा और भी ज़्यादा बड़ा होता तो मज़ा आता। एंड ये जो इंसर्ट है वो एक्चुअल में आप जब देखोगे ना, इतना वीडियो में मुझे भी नहीं लगता है कि यार कोई अपीलिंग नहीं लगता, बट आप एक्चुअल में देखते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे ऊपर भी देखे तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, यहाँ पर भी होते। और जो यहाँ पे देखो एसी वेंट जो डिज़ाइन है थोड़ी सी मतलब आउटडेटेड लगी, थोड़ी सी मतलब कुछ और एलिमेंट ऐड किया जाता तो काफ़ी बढ़िया लगता। फिर ये जो स्टीयरिंग व्हील सिर्फ आप ऊपर नीचे ही कर सकते हो, और आपको अरे मैंने तब कर रहा था तब नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि पूरा बाहर खींचा हुआ तभी ऐसा हो रहा होगा। बाकी हाँ यहाँ पे अपने को टिल्ट एंड रेस्यो भी एडजस्टमेंट मिल जाती है। फिर यहाँ पे अपने को लाइट से ले रहे सारे कंट्रोल हो गए। फिर यहाँ पे एक चीज़ है, हाँ एक चीज़ मैं बता रहा था आपको, ये जो ड्राइवर सर्किट डोर है आप ओपन करोगे तो तब ये बजेगा, बहुत कंटिन्यूस बजेगा भाई, आपको एकदम लगेगा कि यार क्या ही मैं कर रहा हूँ, बट ड्राइवर साइड का तो बजेगा। पर देखो मैं ये बंद कर देता हूँ ना, बंद हो गया, पर जब गाड़ी चालू रहेगी ना तो पीछे का दरवाजा खुला रहेगा तो उसका कोई साउंड नहीं आएगा, तो ये कैसी चीज़ हुई भाई। ये एक मिथ रह गया VW वालों का कि भाई पीछे वालों का अगर बजता तो और भी ज़्यादा मज़ा, तब भाई पीछे तो भाई बच्चे बैठते हैं, घर वाले भाई मम्मी या फिर दादी या वैसे लोग बैठते, तो
वहाँ पे वो चीज़ ज़रूरी थी, बट ड्राइवर साइड पे क्या ही ज़रूरत है भाई, ड्राइवर को तो पता ही होता है, ड्राइवर तो थोड़ा सा मतलब कहे ना मेच्योर कह सकते हैं आप कि भाई 18 प्लस ही होता है तो उसे सारी चीज़ पता होती है, बट पीछे बच्चे बैठे हैं तो उनको मतलब कि पता ना चले या फिर अब कहीं ना गलती से कूपन रह गया तो पता चल जाएगा भाई कि कूपन कोई डोर है तो बंद कर देते। ये चीज़ मुझे लगी कि VW की थोड़ा सा फिक्स करना चाहिए। बाकी मैंने आपको है हाँ ये चीज़ यहाँ पे जो हैंडरेस्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे एडजस्ट करना तो यहाँ पे कर सकते हो, पूरा करना तो पूरा कर सकते, यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको प्रॉपर मिलती है। कहीं में क्या होता है कि मेरी खुद की गाड़ी में एक पूरा एक सेट आता है, आगे आने के लिए पूरा आ जाएगा या फिर पीछे पूरा चले जाएगा, तो वहाँ पे एक दिक्कत है कि जिसकी हाइट ज़्यादा होती है ना वहाँ पे भाई जो है वो पीछे रखेगा तो उतना कुछ कंफर्ट नहीं मिलता, और आगे ला जाएगा तो वहाँ पर भी कोई कंफर्ट नहीं मिलता, उसे बीच में रखना होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा उपयोग में आएगी। और उपयोग मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया, कई लोगों को पता ना हो तो बता दूँ कि भाई ये उपयोग मतलब कि है हेल्पफुल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपने को आ रही है या फिर सनरूफ की तो मैंने बात कर दी, तो चलिए अब बैठते पीछे भाई, पीछे क्या क्या स्पेस मिलता है अपने को। बाकी आपको बैठने बैठने में ना कई लोग कहते हैं कि भाई हमें जो टाइगुन है उसमें रियर सीट में उतना कुछ खास कंफर्ट नहीं मिल रहा, तो जो आगे वाली सीट हो उतना मैंने अपनी हाइट का अकॉर्डिंग सेट कर रखा है तो आपको इतना खास आपको है स्पेस मिल जाता है। फिर देखिए हेडरूम की तो यहाँ पे कोई कमी है ही नहीं, SUV में आपको हेडरूम की कमी नहीं मिलती। फिर यहाँ पे रियर AC वेंट हो गया, एंड ऑल दो हाँ यहाँ पर भी आपको भाई ऑल टाइप सी पोर्ट मिलते, 1, 2, 3, 4 आगे भी। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं बताना भूल गया, यहाँ पर भी आगे की तरफ भी आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, और ये चीज़ ना और कहीं पर भी नहीं मिलती भाई, हम क्रेटा में देखे या फिर सेल्टोस में देखे कहीं पर भी ये चीज़ नहीं मिलती। और आजकल भाई यही चल रहा है कि भाई टाइप सी पोर्ट ही चाहिए सबको, क्योंकि भाई अब टाइप ए का कोई ज़माना रहा है नहीं, और हम देखें ना तो कि टाइप सी पोर्ट में सारे मोबाइल फोन चार्जिंग हो गए आजकल, तो भाई आईफोन भी उससे ही चार्ज होते, तो सारी चीज़ें उसमें ही आ जाते, तो आपको कोई दूसरे वायर हो कैरी नहीं करने पड़ते। एंड ऑल्दो यहाँ पे बीच में बैठने की बात है, आप आराम से भाई बीच में बैठ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टाइगुन भाई कोई कहते हैं ना कि भाई टाइगुन तो भाई बहुत छोटी है, वहाँ पे तो कोई सामान बैठता भी नहीं है, खुद आदमी भी नहीं बैठ पाता, क्रेटा में तो अच्छा स्पेस मिल जाता है, उसको भाई एक बार चपाट मारना पड़ मारूंगा गांड पे, आने वाली सात पुस्तों की गांड में दर्द होगा, को अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। बाकी आपको जो है बीच में बैठने की बात है तो वहाँ पर भी आप इजीली बैठ जाओगे, यहाँ पर भी आपको भाई एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, विच इज़ अ रियली भाई अमेजिंग थिंग है भाई, आपको बीच में बैठोगे वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा हेडरूम मिलेगा, आपको भाई हेडरेस्ट मिल जाता है। फिर यहाँ पर भी बीच में जो है आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर्स, अगर कोई भी बीच में नहीं बैठ रहा तो भाई आप यूज़ कर लेना। और फिर बात करें यहाँ पे हाँ यहाँ पे वाइट लाइट मिलती है, और बात है भाई कंक्लूजन की, असली फैसले की कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, कंक्लूजन असली फैसले की। तो भाई एक चीज़ मैं बता दूँ, VW इज़ नोन फॉर BSF मतलब क्योंकि मतलब कि बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी एंड फन टू ड्राइव, और ये तीनों थिंग ना भाई काफ़ी अच्छी तरह से ये भाई कंप्लीट करती है, बहुत से लोगों को भाई ये तीनों चीज़ ही चाहिए, कोई भाई अदर भाई कचरे वाली चीज़ नहीं चाहिए। और हम कहें ना तो क्रेटा देखे, सेल्टोस देखे, तो वहाँ पे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा सा इशू रहता है। और इसके हम साउंड भी सुन रहे भाई, GT वेरिएंट है भाई, आप अच्छे खासे पैसे खर्च रहे हो तो भाई आपको आवाज़ सुननी होगी, एक पावर की साउंड सुनी तो आपको मैं सुनाता हूँ। शायद आ रही हो या नहीं हो, बाहर मैं रखता हूँ इसका माइक, तब आपको अच्छी साउंड इसकी हो आएगी। बताना आपको कैसा इसका साउंड जो है वो लगा। फिर ओवरऑल इसके हम सेफ्टी रेटिंग दे सकते, मैंने पूरी वीडियो में बताया कि भाई यहाँ पे देख रहे हो 5 स्टार, वो 5 स्टार आपको बहुत ज़्यादा उपयोग में आएंगे, जब भी आप अपनी फैमिली को लेके जाओगे आपको भाई पीस ऑफ माइंड होके जाओगे, आपको भाई VW की आपको भाई सर्विस पैकेजेस भी अच्छी खासी मिल जाती, आपको सेफ्टी भी बढ़िया मिल जाती, आपको पावर भी मिल जाएगी, आपको भाई एक इंटीरियर वाइज भी देखें वहाँ पर भी आपको कोई फीचर्स वाइज देखने की ज़रूरत नहीं आती, आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है। हाँ मैं कहूँगा कि भाई जो
पीछे वाली जो रो है वहाँ पे भाई एक कर्टन आते, बट VW के लाइनअप में हम देखे ना तो वर्टर्स में भी नहीं आते, इसमें भी नहीं आते, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है कि इसमें भी आ जाए। बाकी हम स्क्रीन देखें तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, डिजिटल स्पीडोमीटर भी देखें तो काफ़ी बढ़िया आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, एंड ऑल्दो सारी चीज़ें देखें तो काफ़ी अच्छी निकल कहती है। और भाई आप एज अ इंडियन कस्टमर आप पूछोगे भाई माइलेज कितनी आती है, तो भाई आपको 18 की माइलेज कंपनी क्लेम की थी, तो भाई ये GT है तो मुझे तो लगता है कि 12-13 आप ऑन अ सिटी निकाल सकते हो और 15-16 आप ऑन अ हाईवे इसे निकाल सकते हो। बाकी आप गाड़ी भी देखो, बिल्ड देखो, तो लगता है कि हाँ भाई VW की कार है, आपको भीड़ चाल से हट के भी चलने वाले हो, क्योंकि ये टाइगुन ना कोई दूसरा कोई बंदा नहीं लेने वाला, और आपको भाई यही थोड़ा सा एज हो जाएगी भाई आप सारे भीड़ चाल से अलग निकल के आओगे। तो आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और स्पेशल लाइक तो सिटी स्टोर SP रिंग रोड VW, आपको भाई VW से किसी भी गाड़ी से रिलेटेड इंक्वायरी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, उनके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और भाई ये थोड़ा सा आपको अंदाज कैसा लगा मुझे बताइए कॉमेंट में, एकदम भाई कट 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 भाई पूरा, मतलब कि मैंने बताने कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं चीज़ें ही दिखा रहा हूँ, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएगा। और आपको ऐसे भाई स्किट पसंद है वीडियो में, मतलब इस वीडियो में तो मैंने स्किट नहीं किया, बट आपको स्किट पसंद है भाई कि कॉमेडी हो जाए या थोड़ी सी मतलब इन्फॉर्मेशन के साथ ही साथ, तो आप मुझे वो भी बताएगा, मैं वो भी करने वाला थोड़ा सा, मतलब मैं अपना कॉन्टेंट जो है एक नेक्स्ट लेवल पर लेना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि भाई 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, मतलब कि हुए तो नहीं है अभी तक, बट हाँ नज़दीक है तो हो ही जाएंगे, उसमें तो मैं नंबर्स का मैं उतना कुछ खास ध्यान देता नहीं, बट होंगे तो भी हम देखेंगे कि हम कंटेंट कैसे अपग्रेड करें, ना कि भाई हम सेलिब्रेशन करें या वो करेंगे टीम का ना करेंगे गिव अवे, या फिर हम मैं भी सेलिब्रेशन तो करूँगा बट वो अपने तरीके से करूँगा, पर वो सारी चीज़ है कि भाई हम कंटेंट हो एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाले। तो बताइए मुझे कि आपको किस तरह से कंटेंट पसंद है, आपको भाई कोई भी क्वेश्चन हो इस गाड़ी से रिलेटेड आप वो भी मुझे पूछ सकते हो ना कमेंट सेक्शन, या फिर इंस्टा के अंदर आप मुझे DM भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।